आज हम बनाएंगे दाल मखनी और भिंडी की मसालेदार सब्जी। जीरा डालेंगे, हींग, प्याज डालेंगे। इसमें हम बनाएंगे भिंडी की मसालेदार। भिंडी को हम फ्राई कर लेंगे। भिंडी को लाइट ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये लहसुन, प्याज, अदरक और मिर्ची का पेस्ट है। भिंडी हमारी हो गई है, अब इसको निकाल लेंगे। थोड़ा सा रिफाइंड हम और डालेंगे। हल्दी डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, नमक डालेंगे, टोमेटो प्यूरी डालेंगे, इसमें जीरा डालेंगे हम, हरी मिर्ची, प्याज डालेंगे, इसमें हम प्याज, लहसुन, अदरक और मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। इसमें भी हम मसाले डाल लेंगे, गरम मसाला, नमक, हल्दी, मसाले हमारे भून रहे हैं, इसमें टमाटर डाल देंगे। ये राजमा है और मूंग की दाल, इसको हमने 2 सीटी बॉईल कर लिया है। इसमें पानी ऐड करेंगे, भिंडी मिक्स डाल देंगे। हम क्रीम डालेंगे, भिंडी की सब्जी हमारी तैयार हो गई है। इसमें हम धनिया डाल देंगे, अब हम बनाएंगे इस कढ़ाई में पनीर बटर मसाला। खड़े मसाले डालेंगे, लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची, इसमें क्रीम डाल देंगे, काजू, हम इसको पेस्ट बना लेंगे। दाल मखनी हमारी रेडी हो गई है, इस साइड हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। धनिया डाल देंगे, पनीर फ्राई कर लेंगे। अपने पनीर को निकाल लेंगे। बटर डालेंगे, जीरा, हींग, पेस्ट को डाल देंगे। हल्दी, गरम मसाला, नमक,
फिर लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा कलर के लिए। इसमें हम क्रीम डालेंगे। पनीर की सब्जी हमारी तैयार है। ये हमारी वेज थाली बनके तैयार है। आप भी इसे अपने घर में ट्राई करिए जब गेस्ट आए तो, गेस्ट को बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो मेक श्योर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।